का ब्रांड है, ये ऑर्डिनरी ब्रांड है। यहाँ पे हमने तैयारी की है, ये जो बक्सा है इसी में हमने मार्केट का ऑर्डिनरी पैड जो है वो यहाँ पे लगाया है। ये वेस्टीज का सर्जरी पैड है, ड्यू गार्डन सैनिटरी नैपकिन। पानी की बोतल ली है, इसके ऊपर हम पानी डालने वाले हैं, इसलिए एक सूखा हुआ कलर की बोतल ली है, दो ग्लास। इसी के साथ हमने नमक चम्मच लिया है, इसी के साथ एक मैच बॉक्स ली है और यहाँ पे दो टिश्यूज रखे हुए हैं। तो अभी हम ये दिखाना चाहते हैं आपको कि क्या ये जो वेस्टीज का ड्यू गार्डन सैनिटरी पैड है, क्या ये सचमुच ड्राइनेस देता है, सचमुच ड्राई वाली फीलिंग देता है, क्या ये मार्केट के ऑर्डिनरी पैड से ये नैपकिन आपको सूखापन देता है, हाइजीन देता है, सेहत देता है, ये हम अभी देखेंगे। पहले तो हम इसके लिए पहले डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे और उसके बाद मैं आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दूंगी। तो ये जिस पानी में कलर डाला है, क्योंकि आपको यहाँ पे दिखाई नहीं देगा, थोड़ा सा फिराऊंगी। देखो हम एक गार्डन में बैठे हैं, प्लान शो किया और प्लान शो करने के बाद हम डेमोन्स्ट्रेशन दिखा रहे हैं। तो ये आपको क्यों दिखा रहे हैं कि आप भी कहीं पे भी प्लान दिखा सकते हैं और कहीं पे भी आप डेमोन्स्ट्रेशन भी दिखा सकते हैं, बस आपके पास चीज़ें होनी चाहिए। तो ये डेमो किट में से, ये डेमो किट बहुत हल्का भी रहता है, उसमें वजन नहीं रहता है। तो अभी आप देखिए मैं इसमें डाल रही हूँ पानी। ये किसके लिए डाल रही हूँ कि मैं आपको दिखाने जा रही हूँ कि ये सचमुच पानी कितना सोखता है। जो ये लोग कहते हैं वो इसमें है क्या, तो आप देखिए ये सचमुच लीक प्रूफ होता है क्या, ये भी तो आपको देखना है। देखिए अभी क्या हो गया, ये लीक होने लगा। दोनों में हमने सेम पानी लिया था, तो यहाँ से देखिए ये पानी लीक भी हो रहा है और प्रेस करते हैं तो यहाँ से लिक्विड बाहर आ रहा है। तो ये एक मार्केट का सैनिटरी नैपकिन है और ये अभी ड्यू गार्डन वेस्टीज का सैनिटरी नैपकिन है। देखिए मैं उसी तरीके से जैसे वो नैपकिन पे मैंने डाला था वैसे ही मैं ये नैपकिन पे डाल रही हूँ। लेकिन आपको समझ में आ रहा होगा कि ये नैपकिन जल्दी से ये 3 times फास्टर सोक लेता है। ये तो मेरी गलती है कि ये मेरे हाथ के वजह से वो गिर गया। लेकिन आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये जो लिमिट है उसके बाहर वो आया नहीं है। तो आज ये जब सैनिटरी नैपकिन आप यूज करते हो तो ये डर लगा रहता है और दिन भर ये वेट फीलिंग आपको आती है और ये वेट फीलिंग की वजह से क्या होता है तो इसमें बैक्टीरिया भी पनपते हैं और दिन भर वेटनेस वाली फीलिंग आती है, इसीलिए बीमार लगता है। और इसके ऊपर है जो मटेरियल यूज किया है, ये टोटल प्लास्टिक मटेरियल है और यहाँ पे आप देख सकते हो तो ये पूरा लेयर देखो, ये पूरा लेयर जो है वो यहाँ पे ड्राइनेस नहीं है। तो आप भी एक हाथ से देख सकती हो मैम कि ये चीज क्या है, मैं पकड़ती हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हो ये 3 times फास्टर सोक करता है क्योंकि इसके अंदर ये ग्राफीन शीट है। ये ग्राफीन शीट की वजह से क्या होता है, नेचुरल एनर्जी भी बनी रहती है और इसके साथ एनायन चिप है और FIR टेक्नोलॉजी है, तो इसकी वजह से आपको यहाँ पे जो फीलिंग मिलेगी वो टोटल ड्राइनेस वाली फीलिंग मिलेगी। ये लीक प्रूफ नैपकिन है तो ये कहीं से भी आपको, यहाँ पे सूखा है आप देख सकते हो, तो यहाँ पे सूखी वाली फीलिंग मिलेगी। और ये एक 8 layer वाला नैपकिन है, ये नैपकिन में से एक अलग सा स्मेल आता है जिससे अच्छा नहीं लगता है, लेकिन यहाँ पे ये ऑर्डर फ्री है। ये इसमें एंटीबैक्टीरियल एक लेयर है, इसी की वजह से यहाँ पे बैक्टीरिया पनपते नहीं है क्योंकि एक तो ड्राइनेस वाली फीलिंग आती है, सोप कर लेता है, लीक प्रूफ है। तीसरा, ग्राफीन टेक्नोलॉजी इसमें यूज की है, एनोयन बेस है और FIR टेक्नोलॉजी है। और ये पहला वाला जो लेयर है दिस इज एब्सोल्युटली कॉटन लेयर और ये मैं आपको खोल के भी दिखाऊंगी तो आपको पता चलेगा कि ये सारे के सारे लेयर जो है वो सारे कॉटन वाले लेयर है। और यहाँ पे आपको 3 ही लेयर मिलेंगे और ये 3 ही लेयर में आपको प्लास्टिक मिलेगा, ये आपको मैं फील भी कराऊंगी। इसी के साथ ये मैच बॉक्स किसके लिए रखा है, तो प्लास्टिक कभी भी जल नहीं सकता,
लेकिन कॉटन आपको मैं आपको जला के भी दिखा सकती हूँ। और ये जो मार्केट का नैपकिन है, देखो एक लेडी का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल रहती है वो 500 टाइम्स इससे वो गुजरती है। हाँ ओके, लेकिन यहाँ पे आपको दिखेगा कि 17,000 नैपकिन वो एक मेंसेस में यूज करती है। माझ्याकडे पण दाखवू शकतेस तू। तो ये 17,000 का गार्बेज हम क्रिएट करते हैं, एक लेडी क्रिएट कर रही है। लेकिन यहाँ पे ये नैपकिन बायोडिग्रेडेबल नहीं है क्योंकि ये पृथ्वी के ऊपर 1,000 साल तक रहने वाला है। लेकिन ये नैपकिन जब आप यूज करोगे तो इसके अंदर जो जेल है, इसके अंदर जो जेल है, तो ये जेल के वजह से, ये प्लास्टिक के वजह से ड्रेनेज ब्लॉक होते हैं और ये एक बहुत बड़ी समस्या है एज एनवायरमेंट की। लेकिन ये जो नैपकिन है आप फील कर सकते हो, यहाँ पे दिखा सकते हो, तो यहाँ पे कोई भी ड्राइनेस वाली फीलिंग यहाँ पे नहीं है। हाँ। और इसके अंदर जो जेली है ये वापस, ये जो एनवायरमेंट है इसमें वो जैसे बोलते हैं ना कि एक वायु तत्व है, अलग अलग 5 तत्व रहते हैं, इसमें ये विलीन हो जाता है, एक रूप हो जाता है, उसमें मिक्स हो जाता है। तो ये आज हम अगर ये नैपकिन का यूज करते हैं तो आप पर्यावरण को भी कुछ भी हानि नहीं करते हो, एनवायरनमेंट सेफ है ये प्रोडक्ट। और इसकी आज के दिन में बहुत ज़रूरत है क्योंकि ये नैपकिन की वजह से इचिंग हो रहा है, खुजली हो रही है, केमिकल के वजह से इनफर्टिलिटी जैसी समस्या है, कैंसर जैसी बीमारी आ रही है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, और कहीं पे भी मेडिकेशन का खर्चा बढ़ रहा है क्योंकि इसके अंदर टोटल केमिकल यूज किया गया है। तो अभी हम देखते हैं इसके ऊपर, अभी हम ये जो टिश्यू मैंने रखे हैं ये आपको मैं यहाँ पे प्रेस करा के आप दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या हो गया। हाँ, ये आप देख सकते हैं पूरा नैपकिन गीला हो गया, देखो। हाँ, फट गया। लेकिन यही आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने नैपकिन प्रेस किया, क्या हो रहा है आप खुद भी देख सकते हो। दिस इज द मैजिक, देखो। तो ऐसी ड्राइनेस वाली आपको फीलिंग मिलेगी, तो आपको बैक्टीरिया भी नहीं पनपेंगे, लीक नहीं होगा। तो लेडीज को जो बार बार डर रहता है कि बाहर जाने के बाद उसको सेफ नहीं लगता है, वो इसकी वजह से आपको सेफ लगेगा। और अभी हम देखते हैं, ये मैम को हमने ये डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया है और देखो यहाँ पे हम गार्डन में बैठे हैं फिर भी हमने ये डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया है। तो आप भी कहीं पे भी बैठ के ये डेमोन्स्ट्रेशन आराम से दिखा सकते हो, आसान है। तो यहाँ पे मैं अभी पहला लेयर निकालती हूँ, तो मैम आप बताइएगा कि ये जो लेयर है, क्या ये लेयर कॉटन का है? नहीं, ये देखिए टच करके, इज इट कॉटन? नो, ये नीचे वाला लेयर कॉटन है? नहीं, कहीं पे भी कॉटन नहीं है, ये सारा प्लास्टिक है। तो अभी ये वेस्टीज ड्यू गार्डन सैनिटरी नैपकिन हम देखते हैं, तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि ये देखिए, दिस इज अ एब्सोल्यूट कॉटन लेयर। ये पहला वाला लेयर देखो, ये फट भी रहा है इससे भी आपको पता चला होगा, और इसमें ये कॉटन भी है और इसमें ब्रीदेबल लेयर है, तो इसमें होल्स है, तो इसी की वजह से हिट नहीं होती है। ओके, ये वाला लेयर है। अभी देखो इसको मैं आपको, कॉटन लेयर है, क्या प्लास्टिक को जला सकते हैं? नहीं जला सकते, लेकिन क्या कॉटन को जला सकते हैं? देखिए ये जल गया क्योंकि ये एब्सोल्युटली कॉटन है, इसीलिए ये लेयर जलता है। इसीलिए आपको ये जला के मैंने दिखाया, क्योंकि ये मैं जला के नहीं दिखा सकती, दिस इज टोटली प्लास्टिक। अभी मैंने सेकंड लेयर दिखाया आपको, ये वाला, अभी आप देख सकते हो दिस इज थर्ड लेयर। क्या ये कॉटन है? ये भी लेयर का कॉटन है, कॉटन है। हाँ, नहीं तो ये फट्टा नहीं, ये बराबर है, फट भी आराम से रहा है। हाँ, कॉटन है। तो सारे लेयर्स कॉटन है, सारे लेयर्स ब्रीदेबल है। हाँ, देखो इसके नीचे भी, ये जेली के नीचे एक लेयर है। हाँ, वो भी कॉटन है। हाँ, ये लेयर भी कॉटन है, देखिए। हाँ, ये खासियत है। और अभी देखो ये जेली, मैं अभी एक पूरी जेली निकालती हूँ और आपको क्यों दिखाती हूँ,
क्योंकि ये मैंने डाल दी इसमें, ओके ये डाल दी इसमें। अभी आप देख सकते हो कि इसमें मैं और पानी डालूंगी तो भी ये सोख लेगा। मीन्स आप अगर बाहर जाते हो तो कितने सुरक्षित है ये आप देख सकते हो। अभी देखो इसमें पानी भी बचा, अभी ये मैं इसमें डालती हूँ तो आप देख सकते हो इसमें पानी डालोगी तो क्या ये सोखेगा, इसमें पानी डालेंगे तो ये सोखेगा, नहीं सोख रहा है, नहीं सोख रहा है। ये देखो ये जेली ने पूरा एब्सॉर्ब कर लिया। ये भी लेयर कॉटन है, इसके नीचे ये 8 लेयर वाला नैपकिन है, पूरा का पूरा कॉटन है, इसमें भी होल्स है। अभी ये जेली मैं आपको यहाँ पे डाल के दिखाती हूँ, देखो पूरा का पूरा पानी उसने सोख लिया, इससे ज्यादा पानी भी सोखता है। तो ये नैपकिन एब्सोल्युटली आपको ड्राइनेस की फीलिंग देगा। अभी हम दिखाते हैं कि ये बायोडिग्रेडेबल कैसा है। ये डेली ये इसमें मैंने डाल दिया, ये तो देखो पानी भी नहीं सोखेगा और ये मटेरियल ड्रेनेज में जाएगा तो ये क्या करेगा, ये भी ड्रेनेज को भी बर्बाद कर देगा, सभी जगह ब्लॉक कर देगा। अभी ये नैपकिन ये जो जेली है ये पर्यावरण के साथ वापस मिक्स होती है, तो हम उसके लिए थोड़ा सा नमक उस पे डाल के आपको दिखाएंगे कि ये कैसे मिक्स होता है, तो इसका वापस पानी हो जाता है। तो ये कहीं पे भी हार्मफुल नहीं है, जो ये 1000 ईयर्स तक रहेगा तो ये 1000 ईयर्स तक नहीं रहेगा, ये मट्टी के साथ घुल जाएगा, पानी के साथ घुल जाएगा और सोसाइटी को हमारे एनवायरनमेंट को कहीं भी हानि नहीं करेगा। तो ये मुझे सबसे बड़ी बात लगती है कि ये प्रोडक्ट जो है वो बायोडिग्रेडेबल भी है, कहीं पे एनवायरनमेंट को हानि नहीं कर रहा है, कहीं भी हमारी लेडीज यूज करेगी तो उनको हानि नहीं करेगा। मुझे नहीं लगता इससे बेहतरीन कुछ चीज हो सकती है। और फिर भी इसका दाम बहुत कम है, अगर आप वेस्टिज के डिस्ट्रीब्यूटर नहीं हैं तो आपको 290 रुपीज में ये सेहत मिलेगी, एक पैक 29 रुपीज का मिलेगा, और अगर आप वेस्टिज के डिस्ट्रीब्यूटर है तो आपको ये 25 रुपए में मिलेगा। देखो एक वड़ा पाव भी खाते हो, एक गोलगप्पा भी खाते हो तो सेहत के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। तो देखो घर की फर्श ना बार बार पोछते हो, बार बार कचरा निकालते हो, लेकिन ये जो हमारा शरीर है जिसको मेंटेन करना है उसके ऊपर कभी ध्यान नहीं देते हो। तो साड़ी लेने जाते हो तो सोचते नहीं कि कितनी की साड़ी है, और आज के दिन में वो एक बार ही डालते हो। तो यहाँ पे सोचो कि ये सेहत दे रहा है, ये इन्फेक्शन नहीं देगा, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शंस नहीं देगा, आपको सेहत बनाए रखेगा, इनफर्टिलिटी की समस्या नहीं आएगी इससे, आपको इचिंग नहीं होगा, खुजली नहीं होगी, दिन भर आपको ड्राई लगेगा। तो क्या आपको लगता है 25 या 29 रुपए आपको सेहत के लिए महंगे है? नहीं, मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता है, आपको भी नहीं लगता है? नहीं लगता। तो ये देखो ये पूरा पानी में हो गया, तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है। विद दिस आई एम डन, क्या आप लेना चाहोगे? हाँ लेना चाहेंगे। क्या मैम अभी मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया तो आपको क्या लगता है कि इसकी लेडीज को जरूरत है? हाँ जरूरत है और बहुत ही बढ़िया है। बढ़िया है, आप खुद लेना चाहोगे, यूज करना चाहोगे, आपके बेटी के लिए यूज करना चाहोगे? लेना चाहोगे। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। थैंक यू।